चंद्र को देखा क्या? नहीं यार, सुबह से नहीं देखा है। अरे महेश। राज सिंह, मगर तुम्हें याद रखूंगा। ये लो। तुझे ढूंढ रही है, तुझे भागने के लिए बोला है। डॉन भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से है। चल चल बैग उठा। चंदर बाबू में माल ले आया। चंदर बाबू नहीं, डॉन चंदू बोल डॉन। कल हमारे घर पर बिजली गिरी। कोड सही है। ये ले कैश, पकड़ो इसे। डॉन बैग तो खाली है। डॉन को धोखा देता है। गिरीश, गिरीश। मैं मर गया हूँ डैडी। भवानी मेरा कान छोड़ो। क्यों रे, तुझे कितनी बार कहा है मेरा नाम लेकर मुझे मत बुला। भवानी कहता है। भवानी हाथ मत लगाओ। क्या है, क्या है ये? डॉन, डॉन किस लिए घटिया नाम लिखा है तूने? अब बस भी करो, कल से ऐसा कुछ नहीं करेगा। जरूरत नहीं, या तो ये इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी, जान लीजिए। चल बेटी। देखा बाबा, उस चुड़ैल ने इसे कितनी बेरहमी से मारा। आज तो तुम खिलाओगी, लेकिन कल से उस हॉस्टल में कीड़े वाला खाना खाना पड़ेगा मुझे। तुझे इस तरह खिलाने के लिए कल से हम गांव में नहीं रहेंगे बेटा। चाचा, या तो ये इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी। श्रीमान है माधवपुर के शक्तिनाथ। लैंड डीलिंग, सेटलमेंट जैसे काले धंधे करते हैं। खून खराबा के बल पर शहर में साम्राज्य खड़ा करने में लगे हैं। भाई विठल राव। नमस्ते भाई। वो कुछ दिन दुबई में किसी के साथ काम कर रहा था, उस आदमी को ये टांग देकर आ गया। इसे सिक्योरिटी चाहिए। कितना था पूछा? क्या भाई, वैसे किसके साथ काम करता था? नवीन दुग्गड़। नवीन दुग्गड़ कौन है तुझे पता है? दुबई में बैठकर बिना रिमोट के इंडिया के चारों दिशाओं में कंट्रोल करने वाला बिजनेस मैग्नेट है वो। उन्हें धोखा देकर आए हुए आदमी को हम सिक्योरिटी दे? नहीं होगा, इसे भेज दे। अगर आप मुझे सिक्योरिटी नहीं देंगे तो काजूपाड़ा का नरसिंह मुझे मार डालेगा। मैं मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ भाई। क्या कहा? मुंह मांगी रकम। उससे पहले क्या कहा? काजूपाड़ा का नरसिंह। दुनिया में शक्तिनाथ का एक ही दुश्मन है, वो है नरसिंह। शहर में शक्तिनाथ से ज्यादा नरसिंह का सिक्का चलता है। ये उनसे आगे रहे यही इनकी कोशिश रहती है। हर बात पर नरसिंह से बराबरी करने के लिए खड़े हो जाते हैं। नरसिंह के इस्तेमाल करने वाले टूथपेस्ट से लेकर उनके पूजने वाले भगवान तक हर चीज में उन्हें ही फॉलो करते हैं। नरसिंह अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ने में दिलचस्पी न होते हुए भी अलग अलग भाषा के अखबार पढ़ते हैं। नरसिंह की बेंज कार है ये जानकर इन्होंने भी बेंज कार ही मंगवाई। अब इस डील में नरसिंह राव भी शामिल है, इसलिए ये डील मुझे मंजूर है। उस नरसिंह राव से जीतने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना हो। अरे इसे हमारे शहर के फार्म हाउस में लेकर जाओ, बाय रोड नहीं चौपर बुक करो। वो नरसिंह क्या बिगाड़ लेगा मैं भी देखता हूँ। डैडी बहुत ही टेंशन में, वो हमें धोखा देकर भाग गया, ये मामूली बात नहीं है, हमारी इज्जत की बात है। 24 घंटों में उसकी लाश हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। दुग्गड़ भाई को जबान दी, उसकी बॉडी मिल जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। भाई शक्तिनाथ का फोन, स्पीकर ऑन कर। हे नरसिंह, दुग्गड़ से पैसे लेकर तूने उसे मारने का सौदा किया है हम, और मैंने उसे बचाने का सौदा किया है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं तुझे हराने जा रहा हूँ। आज के बाद होने वाली हर मैच में मैं तुझे कुत्ते की तरह भगाऊंगा, कुत्ते की तरह। तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे, इतनी दूर चला गया है वो। मतलब वो बचकर निकल गया, अब मैं डैडी को क्या जवाब दूंगा? उसकी डेड बॉडी लेकर आऊंगा कहा था मैंने, अब क्या होगा? ये नरसिंह जब सुपारी लेता है तो सुनामी आने पर भी पीछे नहीं हटता। वहां ऊपर देखो। वो रही आपकी अमानत, आज तक कोई शिकार मुझसे बचा नहीं।
नरसिंह, मेरे दिए झटके से अभी बाहर नहीं आए क्या? मुझे चड्डी भिगोने वाला बच्चा समझा है जो तुझसे हार जाऊंगा। अब जो झटका मैं तुझे देने जा रहा हूँ ना, उससे तेरी हवा टाइट हो जाएगी। मेरी? पर क्यों? जरा गर्दन लेफ्ट में तो घुमा। तूने तो किराए पर सिर्फ हेलीकॉप्टर बुक किया था और मैंने पायलट को बुक किया। नेक्स्ट टाइम ऐसे बेवकूफी मत करना। नमस्ते दुग्गड़ साहब, काम खत्म। 2 दिन में 50 करोड़ भी वसूल करके भिजवा दूंगा। अरे आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ भाई, आपके बेटे से मेरी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया, वही मेरे लिए बहुत है। नमस्ते। सुनो जी जाजी, उससे आप पहली बार थोड़ी ना हारे हैं जो इतनी टेंशन लेके बैठे हैं। हमारा हर प्लान उसे पता कैसे चल जाता है? अपना ही कोई आदमी मिला होगा ऐसा मुझे शक है। मुझे तो इसी पे शक है। तुम जैसे गधों को लेकर मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ भला? उस कमीने को छीनने के लिए कोई तेज हथियार चाहिए हमें। हेलो टूरिस्ट कैब रामाराव। हेलो, क्या? अरे बाप रे, क्या कह रहे? आपने मुझे क्यों मारा सर? चौथ का बैदा मारूं? रात को बस में चढ़ते वक्त क्या कहा था तुमसे? डॉन चंदू कहा था तुमसे? कहा था कि नहीं? चंदू बैलेंस 40 रुपए लिखकर मेरे इज्जत का कचरा करता है। टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा, जाहिल कहीं का। बैग दे बे। अरे गलती से लिख दिया था, इतनी सी बात के लिए कोई मारता है क्या? ए, बुरा लगा क्या? और नहीं, मुझे भी बहुत बुरा लगा। डॉन को बुरा लगता है तो ऐसा ही होता है, ये बात अच्छी तरह याद रख। और ये ले तेरा बैलेंस। अरे बाप रे, ये तो सुधरा नहीं बल्कि और बिगड़ गया। अब क्या करें? ऐसा नाटक करो जैसे उसे जानते ही नहीं हो। मेरे घर पे बिजली गिरी, बाद में बारिश हुई। कौन चाहिए आपको? वही कमीने चेहरे हैं, ये कमीना पन अब दिखाना जरूरी है बेटा। इतनी जल्दी तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? डॉन अपने दोस्तों को और दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। चला डॉन चंदू, अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे बहुत जल्दी से डॉन बनना है। अगर अभी नहीं बनूंगा तो कभी नहीं बनूंगा यार, आजकल डॉन बनने का सीजन चल रहा है। तेरे बचपन का पागलपन अभी तक गया नहीं, और तू था कहाँ? I appreciate you, तूने पॉइंट की बात की है। यहाँ से भागकर पलाश गया, वहाँ एक सिनेमा हॉल का गेटकीपर बन गया, थिएटर में ब्लैक करने वाले गैंग को मारकर वहाँ से भगा डाला। अरे हर रोज जिले के न्यूज़पेपर में मेरी खबर छपती थी, छोटे मोटे जिले में नाम कमाकर नाम नहीं खराब करना था, इसलिए मैंने रोक दिया। ए, लोग एक्टर और डॉक्टर बनने की बात करते हैं और तू डॉन बनने की बात कर रहा है? छी 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 छी, तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है। डॉन बनने के कितने फायदे होते हैं पता है? यू मीन हीरोइने और मॉडल्स? क्या इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, उससे भी अच्छी मिलेंगी। यस, हू इज इट? डॉन चंदू। अरे ओ दीवानो, देखो टांग का जलवा, बात तो मेरी मानो, न मुझसे टकराना, बचना ओ दीवानो, 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 डॉन को पहचानो। सारी जान मुझे अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, भाई अन्ना सब डरे, सबसे बड़ा मैं डॉन हूँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाने कोई ना, रूप बदलता हूँ मैं ऐसे पहचाने कोई ना, जुर्म के मेरे है रास्ते।
जीता हूँ अपने वास्ते, रखवाले कानून के करते मुझे नमस्ते। सॉरी दुनिया जाने मुझे अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, भाई अन्ना सब डरे, सबसे बड़ा मैं डॉन हूँ। इंटरपोल मेरे पीछे मैं पकड़ा नहीं जाऊं, जुर्म की मेरी है दुनिया, मैं बादशाह कहलाऊं, मैं तो बॉम्ब ब्लास्ट करके बच जाऊं, छुप जाऊं, माफिया सारे कांपे, मैं आंखें जब दिखाऊं, संग मैं मौज मैं करूं, खतरों से मैं तो खेला करूं, मर्जी से अपनी जिया करूं, जब चाहे जिसका बजाओ। होगा क्या अंजाम मेरा मैं ना सोचूं, राजा के स्टाइल में हमें रहूं, जुर्म के मेरे है रास्ते, जीता हूं अपने वास्ते, रखवाले कानून के करते मुझे नमस्ते। सारी दुनिया जाने मुझे अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, भाई अन्ना सब डरे, सबसे बड़ा मैं डॉन हूँ। क्या लेगा रे? बियर। और तू? मैं विस्की। और तू क्या लेगा चंदू? शहर का कोई तो एक टॉप डॉन मुझे चाहिए। अरे बाप रे, ये सब छोड़ो, चट्टा दारू पी। जल्दी जल्दी मत कर, थोड़ी देर रुकना। ये कैसा टॉर्चर है मेरे भाई। ए, इस शहर में काजू पड़ा का नरसिंह और माधोपुर का शक्ति सिंह, ये दोनों फॉर्म है, अब तो दारू मांगा ना। उन दोनों में से एक गैंग में मुझे शामिल होना है। वो तो मैं अपनी गैंग में क्यों रखेंगे? क्यों रखेंगे? अरे इसलिए तो पब में आया हूँ। डॉन चंदू शहर में आ गए ये तुम लोग जानते हो, पब्लिक को पता चलना चाहिए ना। तब तुम क्या करने वाले हो? क्या चाहिए सर? फोड़ने के लिए एक आदमी चाहिए।